आम आदमी पार्टी ने केलेल्या स्टिंग ऑपरेशन मध्ये 250 हून अधिक आधार कार्ड कचऱ्यात मिळाल्याची आश्चर्यजनक घटना उघडकीस आली आहे। तर जारीपटका पोलिसांचा या प्रकरणातील पुढील तपास सुरू आहे। अपने अपने पास में क्या बोलते हैं, अपना जो सिर्फ अपने एरिया की है कि और भी लोग की आई है? नहीं, वो मेरे को भेजने लगाया था, बाबा जी हमारे इधर किराए से रहता है। हाँ। भैया बोले 120। उनको पैसे कितने देने का है आधार कार्ड के? तो भैया कुछ पूछो क्या? 20 रुपये बोले ना मेरे को फोन पे आधार कार्ड देने के। आधार कार्ड किसका वाला है? राजेश गुप्ता के नाम से और एक बाबा जी का। मेरा तो बाबा जी का है और राजेश गुप्ता के नाम से ही फ़ोन किए थे। राजेश गुप्ता पड़ोसी है मेरे, तो बोले भैया से ले लेना, बोले जाकर उधर जा ही रहे हो तो। बोले आधार कार्ड वो बाबा जी की भेजा था, वही वाली है? हाँ, बाबा जी वाली तो भेज दिया था। बाकी आधार कार्ड की फोटो भेज दिया था तुम्हारे से, यही वाला नंबर है तुम्हारा? हाँ, इसमें तो भेज दिया था कल फोटो। भैया है ना सैंडी नहीं वाला, मैं भेज दिया था, अभी डिलीट मार दिया फोटो। अच्छा, फोटो डिलीट कर दी क्या? वाई तो नहीं बाबा जी। हाँ, बाबा जी वाई तो नहीं घर पे। वाइफ ब्रेकअप होना भी बाबा जी घर पे है कि नहीं तो मालूम नहीं। मैं मिल लेता हूँ उनका। क्या सर नहीं पड़ता बाबा जी का आधार कार्ड पे को भेजा था? नहीं, अरे वो बाबा जी का नहीं हो, वो तो मेरे को पता है, जिनसे लेने का है मेरे को, मेरा उनकी बात कर रहा हूँ। बाबा जी का तो आपने भेजे। कबाडीवाला व त्याच्या शेजारी हे दोघे मिळून 20 रुपयांमध्ये आधार कार्ड देताना आढळून आल्यानंतर आम आदमी पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी स्टिंग ऑपरेशन करत कबाडीवाल्याच्या घरी जाऊन शोध घेतला असता त्यांना कबाडीवाल्याकडे 250 हून अधिक आधार कार्ड आढळून आले, जे त्याला कचऱ्यात मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले। दोघेही त्या आधार कार्डवरील नंबरवर फोन लावून लोकांना बोलवायचे व त्यांना 20 रुपयांमध्ये ते आधार कार्ड वाटायचे, अशी माहिती आम आदमी पार्टीने पोलिसांना दिली आहे। तर पोलिसांचा यावर तपास सुरू आहे। आपतर्फे या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी जरीपटका पोलिसांकडे करण्यात आली आहे। कल 12 बजे करीब मुझे हमारे स्थानीय कार्यकर्ता का जरीबटका के अंदर में जो रहते हैं उनका फ़ोन आया कि वहाँ पर ग्राउंड के पास में कोई व्यक्ति कबाड़ी के अंदर में उसको आधार कार्ड मिले हैं और वो व्यक्ति 20-20 रुपये के अंदर में वो आधार कार्ड लोगों को फ़ोन करके बुला रहा है और उनको दे रहा है। अब ये आधार कार्ड 100 से ज़्यादा आधार कार्ड वहाँ पर थे, ये आधार कार्ड उसके पास में पहुँचे कहाँ से, कबाड़ी की दुकान में पहुँचे कहाँ से? इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो कि आपकी नागरिकता सिद्ध करता है, इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वहाँ पर पहुँचा कैसे, ये सबसे बड़ा सवाल है। मुझे ये जानकारी जब मिली तो मैं वहां पर गया और मैंने वहां के इस पूरे प्रकरण का स्टिंग किया। स्टिंग ऑपरेशन करके ये हमको समझ में आया कि ये जो सारा विषय है वहाँ पर वाकई में ये सारी चीज़ें चल रही थी, जिसको ध्यान में रखते हुए इस पूरे सबूत को इकट्ठा करके हम लोग जरीपटका थाने गए और जरीपटका थाने के अंदर में थाने में जो ऑफिसर्स थे उनको इसकी कंप्लेंट की। स्टाफ का पुलिस की जो इंस्पेक्टर थे उन्होंने तुरंत अपने स्टाफ को साथ में भेजा और स्टाफ को साथ में भेजने के साथ में हम लोग स्पॉट पर गए। वो सारे जो डॉक्यूमेंट्स थे, वो सारे जो आधार कार्ड थे उनको पुलिस ने अपने कब्जे में लिया, वो व्यक्ति को अपने कब्जे में लिया जिसने वो डॉक्यूमेंट्स, वो कबाड़ी वाले ने को कब्जे में लिया जिसने वो डॉक्यूमेंट्स देना चालू कर दिया 20-20 रुपए के अंदर में। उनको साथ में लेकर हम लोग थाने में आए। थाने में आने के बाद में पुलिस ने मामला दर्ज करके उसके ऊपर में जांच चालू कर दी गई है। आम आदमी पार्टी का यह मांग है सरकार से कि कलेक्टर साहब से और CP साहब से कि जल्द से जल्द ये पूरे मामले का खुलासा होना चाहिए कि आधार कार्ड इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कबाड़ में पहुंचा कैसे, ये कहां किसका लूपोल है, क्या UIDAI जो कंपनी जो बनाती है इसको केंद्र सरकार की, उसकी गलती हुई है कि नागपुर पोस्ट विभाग की गलती हुई है, नागपुर पोस्ट ऑफिस की गलती हुई है, या उनके अधिकारियों की गलती हुई है कि उनकी गलती से ये आधार कार्ड, इतना इंपॉर्टेंट आधार कार्ड जैसा डॉक्यूमेंट कबाड़ के अंदर में और वो भी 100 से ज़्यादा ओरिजिनल सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि कहीं ना कहीं ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा है। कोई व्यक्ति का अगर डॉक्यूमेंट किसी के पास में है, मेरा डॉक्यूमेंट अगर किसी के पास में है तो मैं किसी के भी उस पर लोन ले सकता हूँ, या कुछ और डॉक्यूमेंट रहने के साथ साथ में मैं किसी मकान ले सकता हूँ, कुछ भी उसका मिसयूज़ किया जा सकता है। इसलिए इस मामले को गंभीरता से लेकर सरकार से यह मांग है कि जल्द से जल्द इसका सच सामने आना चाहिए, जल्द से जल्द इसके ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए।